हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो स्पॉन्ज है, कई बार क्या बहुत अक्सर बार जो स्टूडेंट है वो कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे जो स्पॉन्ज है वो सेंटर से सिंक कर जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो आपने पैन का साइज लिया है आपने एक्यूरेट नहीं लिया। क्यों? जो आपने बैटर लिया और जिस बैटर की वो नीड है कि एक्यूरेट साइज वो 6 इंच या 7 इंच या 8 इंच के लिए रिक्वायर्ड है, आपने छोटा या बड़ा पैन ले लिया और आपका वो सही नाप ना लेने की वजह से आपको ये इशू आ सकता है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप पैन परचेज करते हैं तो जनरली हम लोग इंडियंस की मेंटालिटी है, मेरी भी है, आपकी भी होगी, कि हम देखते हैं यार सस्ता कौन सा है। तो सस्ता होना, सस्ता परचेज करना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि सस्ता अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 6 इंच का पैन है, वो एक का दाम है फॉर एग्जांपल 300 रुपये, एक का दाम है 200 रुपये, 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स कोई भी दुकानदार, कोई भी होलसेलर या ऑनलाइन अपनी जेब से तो नहीं दे रहा उस चीज़ को। तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होता है कि वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो एल्यूमिनियम की जो गेज है उसको पतला लेगा। अगर हम हल्का पैन लेते हैं और सस्ता पैन लेते हैं तो होगा क्या, हमारा जो बेकिंग टाइम है और जो टेम्परेचर है वो हमें एडजस्ट करना चाहिए पतले के हिसाब से। अब हम फंसते कहाँ पर हैं? अगर हमारा हैवी पैन है और हमने बैटर उसमें डाला, हमारा अच्छे से बेक हो गया, नेक्स्ट टाइम वो पैन आपका गुम गया, या आप पैन जहाँ से सीख के आए थे वहाँ पैन अच्छा था और आपने जो मार्केट से लिया वो पैन आपने हल्का सस्ता ले लिया, तो आप सोचेंगे इतना टाइम इतना टेम्परेचर बताया था लेकिन मेरा केक साइड से जल गया, चिपक रहा है या अंदर से सिंक हो गया, तो ये क्यों हो गया? मैंने रेसिपी तो सेम ट्राई की थी, टेम्परेचर भी सेम है, मेरा अवन भी सेम है, मैंने सब सेफ फॉलो किए, लेकिन आप यहाँ एक छोटी सी गलती कर गए अपनी पैन को चूज़ करने में। तो इसीलिए पैन हमेशा अच्छा लीजिए, थोड़ा सा मोर हैवी लीजिए ताकि आपका जो बेकिंग टाइम एंड टेम्परेचर है वो कभी चेंज ना हो। थर्ड जो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये, जब भी आप अपने स्पॉन्ज को अवन में रखने जाएं तो हमेशा उसको पहले प्री हीट जरूर करें। प्री हीट करने के बाद ही आप उसमें अपना जो पैन है वो डालेंगे। फिर उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ओवर हीटेड होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और साथ में मेन चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप उसको प्री हीट कर रहे हैं तो ना आपका उसका टेम्परेचर अंदर का ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, वो भी पूरा इफेक्ट करेगा आपके स्पॉन्ज की बेकिंग के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, आपने अपने स्पॉन्ज को चेक करने के लिए, कई बार खुशी होती है आदमी को कि हाय मेरा स्पॉन्ज फूला कि नहीं फूला, कितना फूला, न्यू कमर्स ऐसा जनरली करते हैं, एक्साइटमेंट होती है। तो आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी। क्यों? जितनी बार आप अपने डोर को खोलेंगे, अवन के डोर को, तो उतनी बार बाहर की हवा अंदर जाएगी, अंदर की गर्माइश बाहर आएगी, तो उसमें आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो हिल जाएगा, डिस्टर्ब होगा, जिससे कि पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा आपकी बेकिंग पड़ेगा और पूरे चांसेस हैं कि आपका जो स्पॉन्ज है वो सेंटर से सिंक हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप स्पॉन्ज को बेक करते हैं तो बार बार आप डोर खोल के उसमें टूथपिक या नाइफ से उसमें पिन करके मत देखिए कि वो कितना कच्चा रह गया। जब आपका पूरा टाइम एक बार हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने 40 मिनट के लिए कोई स्पॉन्ज रखा है, 30 मिनट के रखा है, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप डोर को खोल के चेक कीजिए कि वो अच्छे से बेक हुआ है, अंदर से कच्चा है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट बाद खोला, चेक किया, अच्छा कितना पका है, ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी। तो मिलेंगे जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,